लो बेटा पहनाओ अंगूठी। मान हम चाहते हैं कि इस साल तुम दोनों एक साथ मंदिर जाके देवी माँ का आशीर्वाद लो। आपके घर से फोन आया था, उन्होंने बताया कि आपकी कल ही इनके साथ सगाई हुई है। माँ ने कहा है आप दोनों के सुखी विवाहित जीवन के लिए माता रानी के सामने विशेष पूजा करनी है। पहले आप अपना नाम बताइए। जी अंशुमान प्रजापति। अब आप अपना नाम बताइए। जी भूमि प्रजापति। ओम लक्ष्मी गणपतये नमः। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था। अंशुमान प्रजापति संग भूमि प्रजापति सदैव सुखाय नमः। दिव्या और अंश को साथ में लाने की मेहनत पे क्यों पानी फेरना चाहती है भूमि? भूमि, भूमि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता भूमि। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम दोबारा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। ये पूजा हम आपकी सगाई और आने वाले शुभ विवाह के आगमन के लिए कर रहे हैं। इस क्रिया के लिए आपको यहाँ उपस्थित किसी सुहागिन महिला के थाल से सिंदूर लाना होगा।
मैं आपकी थाली से एक चुटकी सिंदूर ले लूं? थैंक यू। सगाई? आप ठीक है ना? अंशुमान जी, इस तरह पूजा बीच में रोकना अशुभ होता है। इस सिंदूर के रूप में आपको सुहागिन का आशीर्वाद मिला है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। चलिए, अब आप इस मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। ये रूपानी, अब हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, मेरी जल्द से जल्द उनसे मीटिंग करवाई, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग है और अगर वो लोग खुद मुझसे मीटिंग करने नहीं आते तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कर रहे हो माँ? पढ़ रही हूँ ना। अरे जय सुबह से 4 बार फोन कर चुका है, उसे फोन क्यों नहीं कर लेती तू? माँ कर लूंगी ना बाद में, अभी मैगजीन पढ़ रही हूँ ना। प्लीज, नया इशू आया माँ, प्लीज। अभी क्यों नहीं, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है माँ? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरे बात है, कल वो कितना खुश था तेरे साथ। देख बेटा, कब तक तू ऐसे अकेले बैठी रहेगी? वो तुझे कितना पसंद करता है। देख, वो अकेला है, तू अकेली है, तो फिर ऐसे नहीं मानोगी ना? दो फोन, कमरे में जाके कर लूंगी बात। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे सर पे? वो कल डांडिया लग गया था। ओहो, ख्याल रखा करो बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ, वो क्या है ना कि सुरभि से कहना है कि जय को फोन करे। ये पूजा हम आपकी सगाई और आने वाले शुभ विवाह के आगमन के लिए कर रहे हैं। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहा, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। थैंक यू। Thank you.
धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? भूमि, हेलो भूमि। हाँ बेटा। अच्छे से पूजा हो गई? कब तक आओगे? शाम तक? मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे मुझे तो खुश होना चाहिए। आखिर मैं यही तो चाहती थी कि अंश दिव्या को अपना ले, वो बड़ी माँ, मेरा पूरा परिवार कभी अकेला ना हो, इसीलिए तो मैंने दिव्या को वहां भेजा है। मैं रो क्यों रही हूँ? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? उतरो। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? मैं जानती हूँ अंश, आज आप सिर्फ बड़ी माँ के लिए मंदिर गए थे। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत परवाह है उनकी, और वो भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। उन्हें बहुत ज़रूरत है आपकी, सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी। अंश, माँ, पापा, चाचा, चाची, बड़ी माँ, सबको उनका पुराना वाला मान वापस चाहिए। वो ये चाहते हैं कि उनका मान, उनका खोया हुआ नाम उन्हें वापस दिलवाए। और मैं उन सब की आंखों में आपके लिए वो पुराना वाला घर वापस देखना चाहती हूँ जो पहले हुआ करता था। ये लो, भूमि और मान भी आ गए। बिल्कुल सही वक्त पर आई। अरे देखिए, हमारे लल्लन टॉप लॉलीपॉप हम लोगों से किसी को मिलवाने लाए। वेल, ये हमारे नए प्रोजेक्ट के फाइनेंस पार्टनर। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है ना? हमें क्या परेशानी हो सकती है? वैसे वरुण, इनका नाम क्या बताया तुमने? I'm really sorry. आपके घर के माहौल में मैं अपनी तमीज खो गया।
युवराज, युवराज मल्होत्रा। अंश, अंशुमान प्रजापति, नाइस टू मीट यू। अरे बहू रानी, क्या तुम भी अपनी तमीज भूल गई हो? मेहमान का कैसे स्वागत करते नहीं पता? नमस्ते करो। ऐसे नजरों से तीर क्या मारे जा रही है? नमस्ते। नमस्ते। मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। तो सीधा घर में ही आ गया। अगर इसने मेरी सच्चाई सबको बता दी तो भूमि को दिया हुआ वादा मैं कैसे पूरा करूंगी? नहीं तो वरुण, ये हमारे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मानिए हमारे न्यू भोपाल टाउनशिप प्रोजेक्ट में 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। 200 करोड़? इतने दिनों बाद इतनी मोटी रकम सुनने को मिली। वैसे आप शिरडी से हैं ना? जी हाँ। तो आप मनोहर वारिया जी को जानते हैं? जानते ही होंगे, इतना छोटा सा शहर तो है वो। जी ऑफ कोर्स, एक्चुअली वो मेरे दोस्त के बड़े पापा हैं। लो कर लो बात, भाई अब तो ये हमारे रिश्तेदार भी हो गए। दरअसल बात ऐसी है कि मनोहर वारिया जी ना मेरे मामा हैं, तो उस हिसाब से हमारा भी रिश्ता जुड़ गया ना। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के जमाने में जहाँ रिश्ते चुटकी भर में टूटते हैं, वहां अगर कोई नया रिश्ता जुड़ जाए तो उसका इस्तकबाल खुले हाथों से करना चाहिए। हैं? किसका बाल करना चाहिए? मेरा मतलब है कि स्वागत करना चाहिए। आखिर जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ जितना प्यार मिले उतना कम है। क्या बात है, इतने लंबे चौड़े आदमी हैं आप, लेकिन बातें इतनी छोटी छोटी, मेरा मतलब है मीठी मीठी करते हैं, है ना भाभी माँ? सुमन, अरे बेटा तुम्हारे ये चोट कैसे लगी? एक्चुअली वो क्या ना कि मेरा ध्यान कहीं और था और दीवार से सर टकरा गया। थैंक यू। वैसे कमाल है हमारी नागिन चाची भी। हाँ देखो कैसे झट से उन्होंने रिश्ते बना लिए, अभी एक नया रिश्ता जोड़ लिया। इतनी अच्छी कचौरी मैंने लाइफ में नहीं खाई। हमारी बहू ने बनाई है। अच्छा, ये कचौरी खाकर मुझे किसी खास की याद दिलाती है। क्या मतलब? मतलब के घर का खाना घर का होता है, बाहर के खाने में ये स्वाद कहाँ। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये खाना आपको रोज रोज खाने के लिए मिलेगा। अब आप यहीं रहेंगे ना? अरे बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को ऐसी तकलीफ नहीं दे सकता। अरे इसमें तकलीफ कैसी, हम प्रजापति के खून में मेहमान नवाजी बहती है। और वैसे हम लोगों की तो आदत है किसी भी अजनबी को झट से फटाफट अपना बना लेते हैं। और आप तो हमारे लिए बहुत खास हैं, हमारे लल्लन टॉप लॉलीपॉप के पार्टनर हैं, और फिर नागिन चाची के रिश्तेदार भी। हाँ हाँ,
पवित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, डोंट बी सो फॉर्मल। चलिए आप बहुत थक गए होंगे, अपने कमरे में जाके आराम करिए। कल से वैसे भी आपको बहुत काम करना है। जी चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे रोतली चाची रहने दीजिए ना, आप कहाँ इतनी मेहनत करेंगी। हमारी बहुरानी है ना, वो इन्हें इनका कमरा दिखा देगी।